आज इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर एक शख्सियत से मुलाकात हम आपसे करवाने वाले हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हमारे बीच मौजूद हैं अयोध्या से महान ब्रज मोहन दास जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। और चूंकि अयोध्या से हैं तो राम मंदिर का भी जिक्र हम जरूर करेंगे। तो महन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हमारा ये आपसे प्रश्न है कि आप अयोध्या से हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय क्या वहाँ का जो अयोध्या मंदिर को लेकर जो चीजें चल रही हैं, निर्माण कार्य हो या फिर योगी बाबा का वहाँ पे जो जिक्र हो रहा है, वो किस तरह की बयान है वहाँ पर? देखिए, अयोध्या ने सदियों से पूरे विश्व को एक आईना दिखाया है, एक जीवन जीने की प्रवृत्ति सिखाई है। अयोध्या की भूमि स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। माँ सरयू में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं। तो ऐसी मोक्षदायिनी अयोध्या आज जहाँ पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनने का आदेश हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है और वहाँ पे बहुत तेजी के साथ मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब वास्तव में मैं बता दूं कि ये मंदिर बन रहा है, ये मंदिर ही नहीं अपने तो राष्ट्र मंदिर बन के पूरे विश्व में आने वाला है। क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग लगे। अब बहुत ही बेहतरीन सुंदर सा मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। खबरें आ रही थी कि कुछ मुस्लिम समुदाय भी इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहा, कितना प्रतिशत मुस्लिम समुदाय इसमें सहयोग कर रहा है? देखिए, कुल मिला के राम जी सबके बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया में भी आज से राम की पूजा हो रही है। वहाँ के राष्ट्रपति आके रामलीला का उद्घाटन कर रहे हैं। वहाँ जो सिक्का चल रहा है वो भी राम के नाम का सिक्का चल रहा है। तो राम तो सर्वव्यापी है, ब्रह्मांड नायक है। तो आज जब राम जी का मंदिर बन रहा है तो मुझे लग रहा है कि पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है कि यार राम जी के मंदिर के निर्माण में सारे लोग लगे हुए हैं। अच्छा। हर कोई दान दे रहा है मंदिर निर्माण के लिए और मंदिर का काम भी बहुत विधिवत रूप से, बहुत मजबूत रूप से हो रहा है। आए दिनों पे वहाँ फोटो वहाँ से राम मंदिर से आप लोग देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है। बहुत तेजी से कार्य प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अभी तक कितना जो कहते हैं कलेक्ट करना, एक जो आसपास के लोग हैं एक अपना अनुदान दे रहे हैं उसमें, तो कितना प्रतिशत अभी हुआ है? देखिए, मंदिर का निर्माण मुझे लग रहा है 25% हो चुका है और निर्माण और कार्य चालू है, बहुत तेजी से चालू है। इसके साथ साथ मंदिर के साथ साथ अयोध्या का भी विकास हो रहा है। अयोध्या में देखिए जिस तरह एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, अयोध्या के चौड़ीकरण हो रहा है रोड रस्तों में, बिजली की व्यवस्थाओं में, तो पूरी अयोध्या चमक रही है, दमक रही है। अयोध्या अपने चरमोत्कर्ष की ओर जा रहा है। जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस तरह दीप दीपावली मनाकर आप पूरे विश्व में अयोध्या की डंका बजा रहे हैं, हर साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। आप पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पे लगती है कि जब प्रभु राम 14 वर्ष वन के बाद जब अयोध्या में आए थे तो किस तरह के अयोध्या वासियों ने राम जी का स्वागत किया था, वो साक्षात लाइव के माध्यम से लोग देख रहे हैं। अयोध्या इस समय बिल्कुल विकास के रास्ते पे चल रही है। निर्माण का तो महन जी पहले भी था, मगर एक विशेष जो कार्य जुड़ा हुआ है, क्या है वो, अलग क्या है? देखिए, अलग मैं यही बता रहा हूँ, इससे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जिससे पहले तमाम सरकारें बनी, मगर कोई मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं जाता था। ना वो कभी जाकर सरयू जी को चुनरी चढ़ाते थे, ना हनुमानगढ़ी जाकर लड्डू चढ़ाते थे, ना कभी रामलला का दर्शन करते, पूरे अयोध्या को अछूता कर दिए थे। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है लगातार मुझे लग रहा कम से कम 60 से 65 बार अयोध्या जा चुके हैं और अयोध्या के हर चीजों पर उनकी निगाहें रहती है। अब आप देखिए भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अयोध्या में चौड़ीकरण हो रहा है रोडों का, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, पूरा अयोध्या बिल्कुल चमक रही है और दमक रही है। देश दीपावली मनाकर पूरे विश्व में एक संदेश दिया जा रहा है, पूरे अयोध्या को एकदम बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया जा रहा है और ऐसा लगता है जिस तरह त्रेता काल में प्रभु राम का आगमन हो रहा उससे इस कलयुग में भी प्रभु राम का आगमन अयोध्या हो रहा। गुरु जी, हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, जो इस वक्त मूवी है, फिल्म आप देखते होंगे पठान,
बहुत ज्यादा चर्चा में है सिर्फ इस वजह से कि उस भगवा कपड़े में अश्लीलता दिखाई गई है। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह भगवा हमारी आन है, भगवा हमारी पहचान है, आज मेरे सर पे भी देखिए मैं भगवा बांध के बैठा हूँ, तो ये सनातन धर्म का पहचान होता है। इस भगवे को इस तरह गलत रूप से पहनाकर उसके बाद एक गाना उसके साथ गाया जाता है कि ये बेसर मरण, तो सीधे सीधे सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। और ऐसी फिल्मों को मैं तो कह रहा हूँ सेंसर बोर्ड तत्काल इनको बंद करे और ऐसी फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसी फिल्मों को कोई मान्यता नहीं देनी चाहिए। कुछ विशेष समुदाय इस पर टारगेट कर रहे हैं कि भगवा रंग पर क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उस गाने में बेशरम रंग में कई ऐसे ड्रेसेस हैं जो कई रंगों में पहनी हुई हैं एक्ट्रेस ने, बट भगवा रंग पर ही लोग अपना आपत्ति जता रहे हैं कि क्यों ट्रेस किया जा रहा है इसको। देखिए सनातन धर्म में भगवा का बहुत विशेष स्थान दिया जी, बिल्कुल। आप देख रहे हैं भगवा पहना हूँ, भगवा सर पे भी माना, तो हमारे सनातन धर्म जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे माने हम लोग के जो पीढ़ियों के हैं, उन्होंने सदा बताया है भगवे का सम्मान करना, हमारे घरों पे भगवा झंडा लगता है, भगवे को हम लोग हमेशा उच्च स्थान देते हैं क्योंकि भगवा हम लोग के ब्लड के अंदर बिल्कुल समाया है। तो उस भगवे को अगर कोई पहन कर कहे ये बेशर्म रंग, आप सीधे सीधे भगवे पे बेशर्म रंग की उंगली उठा रहे हैं, तो इसको कोई सनातन धर्म का लोग स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी फिल्मों को वायकाट करना चाहिए, ऐसी फिल्मों को बंद करना चाहिए। तो इसमें एक है भगवा रंग और दूसरा है बेशरम रंग, ठीक है, तो इसमें मुद्दा क्या है जो बहुत ही ज्यादा हमारे जो धार्मिक चीजों को बहुत ज्यादा अपमानजनक प्रदर्शित कर रहा है, तो बेशरम रंग जो बेशरम रंग है वो या भगवा रंग, जो भगवा को बेशर्म रंग के तरह से पेश किया गया, ये बेशर्म रंग वहाँ भगवा दिखाया जा रहा है और एकदम मैंने नग्न तस्वीर में जो थोड़े बहुत कपड़े हैं भगवे के रूप में है और उसके बाद कहा जा रहा है ये बेशर्म रंग। तो कोई भी पढ़ा लिखा समाज, कोई भी समुदाय भाई उनके टारगेट को तुरंत समझ जा रहा है कि ये कहना क्या चाहते हैं, तो इसलिए इस फिल्म का वायकाट करना चाहिए क्योंकि कोई भी हमारे भगवा को इस तरह अगर इंगित करेगा तो कतई हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी फिल्मों का हम बहिष्कार करेंगे। तो आज अयोध्या से हमारे बीच गुरुजी मौजूद थे, तो जो वास्तव में भगवा रंग को लेकर जो विवाद चल रहा है वास्तव में कहीं ना कहीं बहुत गलत है, तो जो और भी अयोध्या मंदिर के निर्माण से संबंधित जो जानकारी बताई उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, सबको जय श्री राम, चैनल को भी दिल से अयोध्या समाज की तरफ से जय श्री राम।